3.4 में आपके पास टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, बेसिक बेसिक बातें हैं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लो, क्योंकि हर सवाल में कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट आ रहा होगा, तो मैं एक ही सवाल कराऊंगा जिसपे डिटेल में डॉट प्रोडक्ट हम सीख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कंडीशन थोड़ी मुश्किल है, तो हम जरा डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। 1 में आपको ए बी सी दिया हुआ है, और आपको पार्ट 1 में बोला हुआ है ए डॉट बी निकालो, पार्ट नंबर 2 में बोला हुआ है ए डॉट बी प्लस सी, मतलब पहले बी प्लस सी निकालो, उसका डॉट प्रोडक्ट ए से निकालो। पार्ट नंबर 3 जो है वो मैं करवा देता हूँ, उसमें बाकी चीजें भी आ जाएंगी और डॉट प्रोडक्ट भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ए क्या है यहाँ पे, 2i प्लस 3j प्लस 5k, बी है i माइनस 2j माइनस 3k, और सी है 5i प्लस j माइनस k। तो पार्ट नंबर 3 में आपको क्या निकालना है, पार्ट नंबर 3 में निकालना है 2a प्लस 3b का डॉट प्रोडक्ट a माइनस 2b से, ये निकालना है आपको। वैसे इसमें c इन्वॉल्व नहीं है, तो पार्ट नंबर 3 में c लिखने की जरूरत नहीं है, a और b इन्वॉल्व भी है। क्या मतलब है इसका भाई, सिंपल मतलब ये कि पहले आप दो चीजें निकाल लो, फिर उनके बाद में डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, 2a प्लस 3b होना चाहिए। क्या मतलब, 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने a से, ठीक है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने b से। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4i प्लस 6j प्लस 10k, ये हो जाएगा 3i माइनस 6j माइनस 9k। आई को आपस में सॉल्व करो, 4 प्लस 3 7, 6 माइनस 6 ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10 माइनस 9 सिंपल प्लस k हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 3b, सही। फिर आपने निकालना है a माइनस 2b, ये भी जरा निकाल लेते हैं। a है यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस 2 टाइम्स b, बी यहाँ पे क्या है, i माइनस 2j माइनस 3k। सॉल्व करते हैं, माइनस 2 को i से करो, माइनस 2i, माइनस 2 को माइनस 2j से प्लस 4j, माइनस 2 को इससे करो प्लस 6k, 2i माइनस 2i ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3j 4j ये हो जाएगा 7j, 5k प्लस 6k ये हो जाएगा 11k। ये आपके पास बच्चों a माइनस 2b भी आ गया। असल में आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना था, तो अब वक्त आगे डॉट प्रोडक्ट निकालने का, 2a प्लस 3b डॉट a माइनस 2b। तो दोनों वेक्टर्स को लिख लेते हैं, पहला वेक्टर आया था 7i प्लस k, दूसरा वेक्टर आया है 7j प्लस 11k। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है कि आप इनके कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, ये सारे कंपोनेंट्स है ना। अब देखो, पहले वेक्टर में आपको जे नजर नहीं आ रहा, दूसरे वेक्टर में आपको आई नजर नहीं आ रहा, तो होगा क्या कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इन वेक्टर्स को ना फुल फॉर्म में आप इस तरह लिख दो कि इसमें जे नजर नहीं आ रहा ना, तो आप जे की जगह जीरो डाल सकते हो। इसी तरह इस वाले वेक्टर में आपको आई नजर नहीं आ रहा, तो आई के साथ आप जीरो डाल दो। तो यहां पे जो आई है और वहां पे जो आई है, उनको आपस से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 0 0 हो जाएगा, प्लस यहां पे जे के साथ 0 है, यहां पे 7 है, तो 0 और 7 0, यहां पे के साथ 1 है, वहां पे के साथ 11 है, तो 11। तो सिंपल लैंग्वेज में आपका डॉट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे 11 के बराबर आता है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि आपने कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 को 0 से कर लो, 0 को यहां वाले जे से कर लो, और यहाँ पे जो k के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करोगे आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो सवाल में आपका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 11 के बराबर। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट का तरीका ना, ये तकरीबन हर सवाल में आप लगा रहे होंगे, तो बार बार मैं नहीं करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, आपको a और b दिया हुआ है और बोला हुआ है प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है, a डॉट b बराबर है b डॉट a के, तो मैं नहीं प्रूफ करवाऊंगा इसको, आप लेफ्ट हैंड साइड पिक करना, a और b आपको सवाल में गिवन है, तो a का जो i के साथ लिखा हुआ है और जो b में i है मल्टीप्लाई करोगे आप उसमें, फिर j फिर k, आपके पास a डॉट b आ जाएगा, कोई भी नंबर आपके पास आ रहा होगा, फिर आप b डॉट a निकालोगे, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, आप पहले b लिखोगे फिर आप i लिखोगे, सॉरी a लिखोगे, अगेन वही मल्टीप्लाई करोगे, i को आपस में मल्टीप्लाई करो, j को करो, आप खुद ऑब्जर्व करोगे a डॉट b b डॉट a के बराबर आ रहा होगा। फिर दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि वेक्टर a प्लस b और a माइनस b आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन कहीं और है नहीं है। देखो सिंपल परपेंडिकुलर कंडीशन कैसे प्रूव होती है कि डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर आ जाए तो उसका मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। तो ये मैं करवा नहीं रहा,
लेकिन आप लोग को आइडिया दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट नंबर टू में आपको ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो आप सिंपल सवाल में तुमने बोला ना कि इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है। तो आप क्या करना, आप इसकी वर्किंग कैसे स्टार्ट करना, आप सबसे पहले सॉल्यूशन पे जाओगे ना, आप ए प्लस बी निकालना, पहले ए और बी को ऐड करना, सिंपलीफाई कर लेना, फिर आप ए माइनस बी निकालना, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना, सिंपलीफाई कर लेना, आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा। फिर आप क्या करना, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना, ए प्लस बी ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना। आप डॉट प्रोडक्ट जब निकालोगे देखना जीरो आंसर आ रहा होगा, फिर लिख देना सिंस डॉट प्रोडक्ट मतलब ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी ये जीरो के बराबर आ रहे हैं, देयरफॉर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जब डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है इसका मतलब वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। ये ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर जीरो हो, लेकिन आप देखोगे जीरो नहीं होंगे, ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, तो फिर भी अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, मतलब इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है। जैसे डॉट जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट आप समझ जाओगे कि परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला हुआ चेक वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर थ्री कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर टू ले लेते हैं। ये आपको ए गिवन है, अच्छा जी, और ये बी है, आपको चेक करना है ऑर्थोगोनल है नहीं, ऑर्थोगोनल सिंपल परपेंडिकुलर, तो क्या करना है वही मैंने बोला है, परपेंडिकुलर के लिए आप क्या करते हो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जल्दी से जरा डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं इसका। यहां पे वन लिखा हुआ है, यहां पे माइनस टू, वन को माइनस टू से करो माइनस टू, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करो थ्री, माइनस फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करो माइनस ट्वेल्व, सॉल्व करो रिजल्ट जो है ना इसका क्या आ रहा है माइनस इलेवन आ रहा है। तो आपको चेक करना था कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो आप लिख देना सिंस ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, भाई अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं मतलब ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब सिंपल परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो आता, डॉट प्रोडक्ट जीरो तो नहीं आ रहा है इनका, तो लिख देना सेंस डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं है, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट ऑर्थोगोनल, इस तरह करोगे। फोर में लिखा हुआ वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, अच्छा देखो डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होता है, डॉट प्रोडक्ट में एसोसिएटिव लॉ नहीं होता, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ इस टाइप का होगा अगर डॉट प्रोडक्ट में होता, ये एसोसिएटिव लॉ, लेकिन हो ही नहीं सकता है क्योंकि b डॉट c जो है ये एक नंबर आएगा, और नंबर का आप डॉट प्रोडक्ट कैसे ले सकते हो वेक्टर से, उसका मतलब एसोसिएटिव लॉ नहीं होता वेक्टर में, तो कम्यूटेटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है, a डॉट b प्लस c बराबर होगा a डॉट b प्लस b डॉट c, सॉरी a डॉट c, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा 3.4 से पहले। डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करते थे, दरमियान में एडिशन होती थी, ए को सी से मल्टीप्लाई करते थे, बस यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है वो डॉट मल्टीप्लीकेशन है, वैसे तो वही काम है जो जबरा में आप मल्टीप्लाई करते थे। तो आपको प्रूफ करना है कि क्वेश्चन नंबर फोर में प्रूफ करना है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने आपको इंग्रेडिएंट दे दिए ए बी सी, ये तीनों वेक्टर आपको दे दिए, आपको बस यहाँ पे प्रूफ करना है, अगेन कोई मसला नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना, सबसे पहले बी और सी को आपस में ऐड कर देना, एक साथ ही कर लेना, मतलब ए पिक ए पुट करना, दरमियान में डॉट करना, फिर ब्रैकेट में बी और सी को आपस में ऐड कर देना, नेक्स्ट स्टेप में जब बी और सी आपस में ऐड हो जाएगा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना और सॉल्व कर लेना। राइट हैंड साइड में क्या करना, पहले ए डॉट बी पुट कर देना, ठीक है, अलग अलग भी निकाल सकते हो लेकिन एक साथ पुट कर दो बेहतर है, कि ए और बी पुट करना उनका डॉट प्रोडक्ट प्लस ए और सी इनका डॉट प्रोडक्ट, एक साथ ही दोनों डॉट प्रोडक्ट निकालना, इनको आपस में ऐड करना, आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम होगा। फाइव में आपको बोला मैं दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालो, मैंने बोला था एंगल निकालने के लिए बेस्ट फॉर्मुला होता है डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल नहीं निकालना, थ्योरी में डिस्कस किया था कि क्यों नहीं निकालना, कोई भी आप पार्ट पिक कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर टू कर लेते हैं, नाम दे देते ना, सेलेक्ट कर लेते हैं कि पहला वेक्टर जो है इसको ए का नाम दे देते हैं, दूसरे वेक्टर को हम बी का नाम दे देते हैं,
आपको इनके दरमियान एंगल निकालना है, ठीक है। और सर एंगल का फॉर्मूला लिखते हैं, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए सबसे पहले, और आपको ए और बी मैग्नीट्यूड चाहिए इनका। तो जरा स्टार्ट हो जाओ, सबसे पहले जरा डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, 3i + 5j - 3k डॉट i - 4j + k। तो जरा निकालते हैं, 3 को i के साथ 1 लिखा है, 3 - 3, 5 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करो -4 से तो -20, -3 को मल्टीप्लाई करो k के साथ 1 लिखा है तो -3। जरा देखो 3 और -3 कैंसिल, रिजल्ट आ रहा है -20, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है वो -20 आ गया। अब निकालते हैं a का मैग्नीट्यूड, कैसे निकालते हो, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9। तो सॉल्व करो, आई गेस 43 हो रहा है, 18 को ऐड करते हैं 25 के अंदर तो 43 आ रहा है। इसी तरह अब बी का मैग्नीट्यूड निकालो, आई के साथ 1 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर फिर -4 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 16 + 1, ये हो जाएगा √18। जब आ जाए अब इक्वेशन नंबर ए में, सब 1 में सब चीजें पुट कर दो, cos थीटा बराबर होगा a डॉट b डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई b का मैग्नीट्यूड। इस पूरी चीज को आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, आपके पास cos थीटा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको एंगल निकालना था, एंगल कैसे निकालोगे, cos इनवर्स, जो आंसर आया है उसका cos इनवर्स ले लोगे और आपके पास यहां पे एंगल आ जाएगा। एक एडवाइस दूंगा जो मैं टिक्नोमेट्री में भी दे देता आप लोगों को, कि जो इसका आंसर आएगा ना उस आंसर को मिटाना नहीं, जैसी आंसर आया है उसको यहाँ पे कॉपी कर देना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, कैलकुलेटर में कुछ ऑन का बटन, कुछ ऐसा बटन नहीं दबाना, जैसी आंसर आया हुआ होगा ना उसी स्क्रीन पे आप क्या करना, शिफ्ट दबा के कॉस का बटन दबाना, कॉस इनवर्स आ जाएगा। और ब्रैकेट में आप बस कैलकुलेटर के एंड पे एक बटन होता है ANS का, आंसर का, तो वो आंसर का बटन दबा देना, तो जो उसका आंसर आया होगा ना कॉस इनवर्स से पहले आपने क्या कैलकुलेशन की, ये वाली की थी ना, तो ANS का बटन आप दबाओगे तो वो उसका कॉस इनवर्स दे देगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं और राउंड ऑफ करके लिखते हैं, अब वो राउंड ऑफ, कोई राउंड ऑफ करता है कोई ट्रंकेट करता है, ट्रंकेट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कैलकुलेटर में 52 पॉइंट इसके आगे 10 डिजिट्स लिखे हैं पॉइंट के बाद, तो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल वो 2 डिजिट इनर्स आ रहा है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेगा और लिख देगा, इसको कहते हैं ट्रंकेट करना, कि वो राउंड ऑफ नहीं कर रहा होगा, वो ट्रंकेट कर काट देगा उसको, और कोई स्टूडेंट राउंड ऑफ कर रहे होंगे तो बेहतर है सब करने की जरूरत नहीं, जो कैलकुलेटर में आंसर आया होगा ना वो ANS के बटन में सेव होता है, तो दबाना यहाँ पे कॉस इनवर्स देना, अब जो आंसर आएगा ना उसको राउंड ऑफ करके लिख देना, वरना 2 दफा राउंड ऑफ करोगे तो आंसर में हल्का फुल्का एरर होगा, एक्सेप्टेबल है, इतना मसला नहीं है, वैसे एक मशवरा दे रहा हूं, अच्छी बात है ये, तो इस तरह आपके पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ये सवाल मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी करवाया था, फाइंड द डायरेक्शन को साइन एंड डायरेक्शन एंगल, बहुत इजी सवाल है, कोई नई बात नहीं है, आपको वेक्टर दिया है, इसका आपको डायरेक्शन को साइन और डायरेक्शन एंगल निकालना है, तो क्या करना, ये मैं आइडिया दे रहा हूँ, वरना बहुत बच्चों वाला सवाल है, फॉर एग्जाम्पल नाम दे देना, पार्ट नंबर 1 में वेक्टर है उसका नाम दे देना 2i + j - 3, जब इसका आपको डायरेक्शन को साइन निकालना, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 4 + 1 + 9, ये सिंपल हो जाएगा √40। अब डायरेक्शन का साइन कैसे आते हैं, डायरेक्शन का साइन का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि cos अल्फा बराबर होता है x अपॉन मैग्नीट्यूड, x क्या है 2, जो i के साथ लिखा होता है वो x होता है, और मैग्नीट्यूड क्या है √40, या आपके पास cos अल्फा आ गया, उन्होंने बोला था डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल दोनों निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा आ गया 2 / √40, इसको डब्बा बना देना, इसके बाद आप डायरेक्शन एंगल निकालना मतलब अल्फा, अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 / √40, तो यहां से आपके पास अल्फा भी आता है, तो कॉस अल्फा और अल्फा दोनों आ गए। इसी तरह कॉस बीटा निकालोगे, कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड, वहां से बीटा निकाल लेना, फिर कॉस गामा का फॉर्मूला क्या होगा, Z upon magnitude, तो cos gamma भी आ जाएगा और वहां से इनवर्स करके आप gamma भी निकाल लेना, इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करोगे।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, आपको एक चीज प्रूफ करने को बोली है। अब अगेन ये सवाल पेपर में आने वाला नहीं है, बहुत बच्चों वाला सवाल है। लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं तो प्रूफ करो, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। अगर पेपर में सवाल आया तो आप इस तरह लिख देना, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये 2 के बराबर है। जब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये 1 के बराबर है, जबकि ये जो है 2 के बराबर है। अब इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, ये प्रूफ ही तो करना है, तो आप जरा प्रूफ की हेडिंग डाल देना, लिखना वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 के बराबर होता है, हम ये जानते हैं, हमें इतना पता है। लेकिन हमें एक और ट्रिग्नोमेट्री से भी हमें एक चीज पता है, इसको 1 कह देना। ट्रिग्नोमेट्री में पता है कि सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने आप लोगों को सिखाया था, दुनिया जहां का कोई भी एंगल आप यहां पे पुट कर दो, कॉस स्क्वायर उस एंगल का हमेशा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के। अगर आप इसको सही तरह लिखो तो ये चीज बनेगी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप दुनिया जहां का कोई भी एंगल यहां पे पुट कर दो, हमेशा पूरी लेफ्ट हैंड साइड 1 के बराबर होगी। तो हर सिचुएशन में चाहे अल्फा किसी ट्राइंगल का एंगल हो, अल्फा कोई डायरेक्शन एंगल हो, अल्फा कोई अलग एंगल हो, कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, कॉस स्क्वायर बीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के, और कॉस स्क्वायर गामा जो है वो बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा के। इसको आप पुट कर दो 1 के अंदर, हम पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अभी करने का क्या होगा, एक काम करो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, जो कि उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, और यहां का 3 जो है 1 प्लस 1 प्लस 1 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, इस 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक 1 तो ऑलरेडी मौजूद है ना, ये उसे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 सिंपल क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, और इस लेफ्ट हैंड साइड का माइनस कॉमन ले लो, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, और नेक्स्ट स्टेप में लिख देना कि ये पूरी चीज जो है 2 के बराबर है, जो आपको प्रूफ करना था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 रह गया, 8 में क्या लिखा हुआ है, इफ द मेजर ऑफ टू ऑफ द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर आर 45 डिग्री 60 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। बहुत इजी सवाल है, आपको बोला हुआ है कि दो डायरेक्शन एंगल आपको गिवन किए हुए, अब नाम नहीं उन्होंने बोले हुए, आपकी मर्जी, आप अल्फा बीटा ले लो, बीटा गामा ले लो, अल्फा गामा ले लो, आपकी मर्जी है, कोई भी दो उन्होंने दिए हैं। तो आप लेट कर लो कि अल्फा जो है वो 45 डिग्री है, बीटा जो है वो 60 डिग्री है, और तीसरा डायरेक्शन एंगल आपको निकालना है। अब भाई ये ट्राइंगल नहीं है, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी नहीं लगा देना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो ट्राइंगल के अंदर होता है, अल्फा बीटा गामा वहां ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल यही भी नहीं है, वहां पे कोई भी एंगल 180 डिग्री नहीं हो सकता था, ट्राइंगल का कोई एंगल 180 डिग्री नहीं हो सकता ना, तो बाकी दो एंगल क्या होंगे, जबकि यहाँ पे 180 डिग्री हो सकता है। अगर ये आपका जेड एक्सिस है, अगर आप पोजिशन वेक्टर बनाते हो जो कि बिल्कुल इसके अपोजिट आता है, तो ये गामा पूरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन एंगल है ना, उनका सम 180 से ग्रेटर होगा, छोटा भी हो सकता है और 180 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा देना कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, वो ट्राइंगल के अंदर होता था, ये ट्राइंगल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जो प्रॉपर्टी आपने लिखी थी ना उसका इस्तेमाल करो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 के बराबर होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री, और यहां से आप गामा निकालोगे, तो कॉस स्क्वायर गामा को यहीं पे रखो। अच्छा, कॉस 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, जब स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इस पूरी चीज को अगर लेके जाओगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, ये पूरी चीज जाके सब्ट्रैक्ट होगी, तो इसको कैलकुलेटर में निकाल लेना, ये 1 अपॉन 2 के बराबर होगा, तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद कॉस 60 क्या होता है, ये भी 1 अपॉन 2 होता है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन 4, बदल ले जाना, सही। तो अब पीछे क्या बचेगा, 1 में से जब आप ये निकालोगे ना, तो पीछे सिंपल 1 अपॉन 4 बच जाएगा,
अभी मैंने इतना जल्दी कैसे किया है, 1 अपॉन 2 होता है 0.5, 1 अपॉन 4 होता है 0.25, तो 1 माइनस 0.5 माइनस 0.25 ये सिंपल 0.25 के बराबर होगा जो कि 1 अपॉन 4 होता है। तो इस तरह मैंने फास्ट कैलकुलेट कर लिया इसको। मान लो अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करना चाह रहे हो वैसे भी कर लो, आंसर पर पहुंच जाओ। अब आपको कॉस गामा निकालना है, आप क्या करो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे कॉस गामा बच जाएगा, यहां पे प्लस माइनस आएगा, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2 होता है। तो दो सिचुएशन बनेंगी, एक होगी कॉस गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, एक कॉस गामा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4। ये वो ट्रिग्नोमेट्री, अब तभी देखो मैं चैप्टर 3 करवाया नहीं है, वजह क्या, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, तो ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1-2 में आपको ट्रिग्नोमेट्री असली नजर नहीं आ रही थी, उसके लिए वो आपने पढ़ ली थी अलग प्रॉपर तरीके से, फिर वेक्टर्स ट्रिग्नोमेट्री तभी हमने सॉल्व की थी। अब यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट निकाल सकते हो गामा की वैल्यू, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे डेफिनेटली दो एंगल्स आएंगे, जब कॉस इनवर्स 1/2 निकालोगे तो कैलकुलेटर आंसर देगा आपको सिंपल 60 डिग्री, ठीक है, और जब आप कॉस इनवर्स -1/2 निकालोगे तो 120 आएगा। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको दोनों बातें सेटिस्फाई कर सकती हैं, तीसरा एंगल अगर 60 डिग्री होगा तभी ये पूरी चीज 1 के बराबर होगी, और अगर तीसरा एंगल 120 होगा तभी ये पूरी चीज 1 के बराबर होगी। यकीन नहीं आता तो पुट करके देख लेना, आंसर मिल जाएगा। तो गामा 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। अच्छा जी, अब जो सवाल है वर्क से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 9 और 11 सेम ही किस्म के सवाल है। 9 में क्या बोला हुआ है, आपको वर्क डन निकालना है, आपको फोर्स गिवन है, और आपको बोला हुआ है कि आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक। तो जब आपको देखो वर्क डन निकालने के लिए दो वेक्टर आपको बताने चाहिए, एक होता है फोर्स का वेक्टर, एक होता है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। फोर्स का वेक्टर तो उन्होंने दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आप क्या करो, आप पॉइंट दिए हुए ना, मतलब इनिशियल पॉइंट, मतलब यहां पे एक ऑब्जेक्ट थी उसको मैं उठा के यहां पे लेके गया हूं, तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो आपको वेक्टर निकालना आता है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो आप वो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकाल लोगे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया तो वहां से वर्क डन निकाल सकते हो। ये मैं 11 में करवा रहा हूं ना, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूं। वैसे 11 में एग्जैक्ट ये चीज है कि कैलकुलेट द वर्क डन, फोर्स गिवन है आपको इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, 11 की बात कर रहा हूं, फ्रॉम पोजिशन बी टू पोजिशन ए अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। वो कह रहे हैं एक पोजिशन बी थी, नॉर्मली ए से बी पे जाते हैं ना, लेकिन घुमाने के लिए उन्होंने बी से ए बोला है कि एक पोजिशन बी थी, एक पोजिशन ए है, मैंने एक ऑब्जेक्ट थी यहां पे, इसको उठा के मैं यहां पे ले गया, कंसीडर कर लूं, तो अब मेरा आर क्या होगा, ये वाला वेक्टर मेरे पास क्या होगा, आर मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है बिल्कुल डायरेक्टेड डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, सिंपल सी बात, ये वाली चीज माइनस ये वाली चीज, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा यहां पर उन्होंने जो पॉइंट है ना वो पॉइंट नहीं दिए, उनके पोजिशन वेक्टर दिए हैं, कोई फर्क नहीं है। जैसे वेक्टर क्या बन रहा है, ये बी से लेके ए वेक्टर है ना, ये तो इस वेक्टर को निकालने के दो तरीके हैं, या तो इनके पॉइंट्स गिवन हो तो आप बोलोगे भाई बी ए वेक्टर बराबर है ए माइनस बी के, अगर पोजिशन वेक्टर दिए हैं तो आप बोलोगे बराबर है ओ ए माइनस ओ बी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही फॉर्मूला है। कॉन्सेप्ट क्या है, फाइनल मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां से आर आ जाएगा और वर्क निकाल लोगे अपन आगे से, तो देख लेते हैं कैसे करना है। गिवन क्या है, पहले उसकी बात करते हैं, फोर्स गिवन है आपको, फोर्स है 3i + 4j + 5k, पोजिशन वेक्टर आपको दिए हुए आर ए, पोजिशन वेक्टर आपको गिवन है 2i + 5j - 2k, इसी तरह आपको आर बी का पोजिशन वेक्टर गिवन है, मतलब बी पॉइंट का, आर बी का मतलब बी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, मतलब अगर ये कहीं ओरिजिन सिस्टम पूरा बन रहा है ना, तो ए को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करो तो ये पूरा वेक्टर है, ये आर ए कहलाया जाएगा, पोजिशन वेक्टर है ना, और बी को आप ओरिजिन से ज्वाइन करो तो ये पूरा क्या कहलाया जाएगा, यहां पे एरो आएगा, ये पूरा कहलाया जाएगा आर बी। जबकि आपको यहां पे क्या निकालना है, आपको यहां पे ये निकालना है, ये पूरा बी ए, क्योंकि आपने बी से उठा के ए पे लेके गए थे उसको, तो बी ए निकालने का तरीका मैंने बता दिया, इस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे, आ जाओ जरा सॉल्यूशन पे।
तो सिंपल बी से लेके ए तक इसको हम आर बोलते थे, आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो सिंपल जो बी ए है वो असल में हमारी डिस्प्लेसमेंट है ना, जो बी से लेके ए पे आ गए। तो ये बी ए किसके बराबर होगा, ओ ए मतलब ए का पोजिशन वेक्टर माइनस बी का पोजिशन वेक्टर। अगर ए से लेके बी पे आप जाते तो फिर ये ओ बी माइनस ओ ए हो जाता, ये हल्का फुल्का फर्क पड़ता है। अच्छा ओ ए और ओ बी क्या है सिंपल सवाल में, आर ए और आर बी है, ठीक है। पुट कर दो वैल्यूज, टू आई प्लस फाइव जे माइनस टू के, इसको माइनस करो आर बी से, सेवन आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव, तो टू आई माइनस सेवन आई ये हो जाएगा माइनस फाइव आई, फाइव जे माइनस थ्री जे ये हो जाएगा टू जे, माइनस टू के माइनस माइनस पॉजिटिव ये फाइव हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस फाइव थ्री के, ये आपके पास बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो फोर्स वेक्टर तो सवाल में ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, अब आप वर्क डन निकाल सकते हो। सामने वर्क डन जिसको आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू आर, आप डी भी कह सकते हो आर भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा तो पुट कर दो, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, फोर्स फैक्टर क्या है, थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के डॉट, आर क्या है माइनस फाइव आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, थ्री को मल्टीप्लाई करो माइनस फाइव से ये हो जाएगा माइनस फिफ्टीन, जे को आप इसे मल्टीप्लाई करो ना, फोर को मल्टीप्लाई करो टू से ये हो जाएगा एट, फाइव को मल्टीप्लाई करो थ्री से ये हो जाएगा फिफ्टीन, फिफ्टीन और माइनस फिफ्टीन के आंसर आंसर एट आ जाएगा। इसका मतलब जो आपके पास वर्क डन आया है वो क्या है एट के बराबर। चाहो तो यूनिट भी लिखते हो, अगर उन्होंने यूनिट मेंशन नहीं किया हुआ, वैसे वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, लेकिन उन्होंने यूनिट मेंशन नहीं किया हुआ लिख देना एट यूनिट, तो यूनिट आपको मेंशन नहीं है तो एट यूनिट लिख देना खाली बस। तो क्वेश्चन नंबर नाइन में भी आपने ये करना है, फोर्स तो आपको गिवन है, आर कैसे निकालोगे, क्वेश्चन नंबर नाइन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला था कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके गए हैं, तो जो फाइनल पॉइंट है माइनस इनिशियल पॉइंट, अब जरा सॉल्व करो, सिक्स माइनस फोर टू होता है, फोर माइनस टू भी टू, नाइन माइनस सेवन टू, ये आर है। इसको वेक्टर की फॉर्म में आप इस तरह लिखोगे, ठीक है, ये आपके पास आर आ गया। तो फोर्स आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन नंबर नाइन में, आर आप इस तरीके से निकालोगे, इस वाले पॉइंट से लेके उस वाले पॉइंट तक गए हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, आर आ गया, फोर्स आ गया, वर्क डन आपके पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर टेन रह गया, बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर टेन भी देख लो, इतना मुश्किल नहीं, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर टेन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, और आपको दो पार्ट दिए हुए जिसमें ए और आपको बी गिवन है। फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, निकालना कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए बहुत बेसिक सा तरीका है, मैं थ्योरी में बताया तो दोबारा बता रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ पार्ट वन ए ऑन टू बी, दो केसेस होते हैं ना, ए की बी पे प्रोजेक्शन और बी की ए पे प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, कोई नहीं है भाई, जब ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर होगी तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, सिंपल ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, सिंपल ये फॉर्मूला। ए की प्रोजेक्शन अगर आपने बी पे निकाल ली है तो फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब ये कितना मुश्किल है, आपको दोनों पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर टेन है उसके दोनों पार्ट में ए और बी गिवन है, तो आप पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालना, डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में जो भी नंबर आया होगा उसको डिवाइड कर देना जो मैग्नीट्यूड आया, आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएगी। और फिर फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर वन में दो काम करने ना, ए की बी पे और बी की ए पे, दो काम करने आपको दोनों पार्ट के अंदर, तो पार्ट नंबर वन पे करना, बी का मैग्नीट्यूड एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, इसकी प्रोजेक्शन जब गिरेगी तो ये पूरी निकाल दी ना, ये थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए कॉस थीटा है, तो आप मल्टीप्लाई करो कि बी, हाँ सही सही कह दिया, ये बी होगा नीचे, सही सही, ठीक है। तो इसको अगर मैंने तो वैसे कॉन्सेप्ट से याद रखा हुआ था, अगर वैसे याद रखते हैं इसको फिर इस तरह याद रख सकते हैं कि जिस पे आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो ना उसका मैग्नीट्यूड आएगा, इस तरह समझ लो कि आप ए की प्रोजेक्शन बी पे निकाल रहे हो इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड आ रहा होगा, और जब आप बी की प्रोजेक्शन ए पे निकालोगे
तो इसका मतलब अब ए का मैग्नीट्यूड आ रहा होगा। तो ये दो अलग अलग फॉर्म है, कोई मुश्किल बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 10 का पार्ट 1 पिक कर लेना, एक ही पार्ट ट्राई कर लेना, कोई मसला नहीं है। एक पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे दो काम करने हैं, सबसे पहले ए की बी पे निकालनी है, कंडीशन सेम ही रहेगी। आप एक काम करना, इन सवालों को सॉल्व करने से पहले ए डॉट बी निकाल लेना, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ये तीन चीजें आ जाएगी। फिर पार्ट वन में फॉर एग्जाम्पल आपने दो काम करना है, एक हेडिंग बनाना प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, ये वाला फॉर्मुला लिखना, डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना उसके मैग्नीट्यूड से। फिर आप हेडिंग बनाना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, ये वाला फॉर्मुला लिखना, डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना ए से। That's it. जो आपके पास नंबर आ रहा होगा वो प्रोजेक्शन हो जाएगी। तो एक पार्ट के अंदर आपको बेसिकली दो काम करना है।